अंकल मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी लड़की का आपने एक बॉयफ्रेंड पता करने को बोला ना, या दो दो लेके बैठी है। भाई किसको बोल रहे हैं? किसको क्या बोल रहे हैं? तुमको ही बोल रहा हूँ ना। और अंकल दोनों की शकल ऐसी है ना, एकदम कॉकरोच जैसी, बता रहा हूँ मैं आपको पहले ही। ये मेरे किसको बोल रहे तुम? क्या है ये? भाई है मेरे। भाई है? अंकल क्या कर रहे हो आप, पहले बोलना चाहिए ना यार भाई के साथ। अरे क्या हुआ भाई, रोक क्यों रहा है? भाई तेरे को याद है कुछ दिन पहले मेरे घर पे लड़का हुआ था? ये तो अच्छी बात है। मैं उसका नामकरण कराने के लिए एक बाबा के पास लेके गया, तो बाबा ने बोला कि सबसे पहले ये जिसका भी नाम लेगा वो आदमी मर जाएगा। अच्छा भाई किसका नाम लिया पहले? उसने बोला पापा। अरे भाई पर तू तो जिंदा है ना? मैं तो जिंदा हूँ पर मेरा पड़ोसी मर गया। सर मुझे लगता है आपको एक बीमारी है जो आपको अंदर ही अंदर खा रही है। अरे सर थोड़ा धीरे बोलो, सही बैठी हूँ। मैं मर जाऊंगा तो तू क्या करेगी? मैं मेरी बहन के साथ रह लूंगी, और मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? मैं भी तेरी बहन के साथ ही रह लूंगा। अरे यार भैया मेरा बैलेंस खत्म हो गया, ये वाला नंबर मिला दो। भाई लग नहीं रहा है। अरे दो तो लगाओ। दो लगाऊं? भाई अभी भी नहीं लग रहा। ये लो ये सारी दवाई बाजार से ले लेना। नेक्स्ट। डॉक्टर साहब मेरे पति की रिपोर्ट आ गई। उरे रे रे रे। क्या हुआ डॉक्टर साहब? उरे बाप रे। क्या हुआ मेरे पति को? उरे ओ बाप रे। हुआ क्या? अरे पूरी रिपोर्ट इंग्लिश में। भाई मेरी जिंदगी ने मेरे साथ धोखा किया है। क्या होगा भाई? भाई जब मैं 14 का था ना, तो 24 साल के लड़के गर्लफ्रेंड लेके घूमते थे। फिर? और अब मैं 24 का हो गया हूँ तो 14 साल के लड़के गर्लफ्रेंड लेके घूमते। भाई ये तूने क्या हाल बना लिया अपना, चल मेरे साथ। जा चुकी है वो। ओ मेरे दिल के महल विच रहंदी है मैनू छड़। यार आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, सब चीज डबल नजर आ रही है। अच्छा रुक, ये ले 100 के दो नोट, परसों मैंने तेरे से उधार लिए थे ना। ओह नो। अरे भाई साहब आपकी लड़की हमें बहुत पसंद है, बहुत संस्कारी लड़की है आपकी। धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब तो रिश्ता पक्का समझे? भाई साहब रिश्ता तो पक्का ही है, लेकिन पहले आप बालक से तो मिलवा दीजिए। यो अरे जरा। नमस्ते अंकल। क्या संस्कार दिए भाई साहब आप। भाई साहब तो रिश्ता पक्का समझे? भाई साहब रिश्ता तो पक्का ही है, लेकिन पहले आप दहेज में सामान लेन देन की बात कर लो। सामान लेन देन? हमारा पूरा खानदान ने कभी दहेज में सामान लेन देन नहीं करा होगा, क्यों भाइयों? हाँ भाऊ जी। क्या संस्कार है भाई साहब। हाँ बैठो बैठो। भाई साहब देखो दहेज में सामान लेन देन तो नहीं लेंगे, 20-25 लाख रुपए नकद दे देना। बेटी चलो यहाँ पे, अपने को रिश्ता नहीं करना है। क्या हो गया भाई, क्यों रो रहा है? यार मेरी बीवी मेरे से बर्तन कपड़े धुलवाती है। अबे यार यही तो है तुम लोगों का, मैं तो किसी से डरता ही नहीं हूँ, और मैंने तो साफ साफ बोल दिया। क्या बोल दिया भाई? कि वो मैं क्या बोल रहा था कि गर्मियों में ना ठंडे पानी और ठंड में ना गर्म पानी से बर्तन धोऊंगा मैं। चलो चलो बेबी समझा रहा, टीचर लोगों सीख लो हमसे कुछ।